नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। अब समाचार विस्तार से। भाजपा की क्षेत्रीय समिति की बैठक प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में एक निजी लॉन में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजदानंद राय ने बताया कि आगामी 30 मई को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। लोकसभा स्तर पर भी जनसभाओं का आयोजन होगा। इसके लिए 30 मई से 30 जून तक 1 माह का कार्यक्रम व अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान की तैयारी के लिए गोरखपुर क्षेत्र स्तर की बैठक गुरुवार को गोरखपुर क्लब में 2 सत्रों में संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है। पूरे देश में इसकी वाहवाही हुई है। जनता के आशीर्वाद से भाजपा के पक्ष में अभूतपूर्व सफलता मिली है। अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कीर्तिमान स्थापित हो, इसके लिए हम सब की तैयारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आगामी 30 मई को अपना 9 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। इस निमित्त भाजपा ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। इसके तहत प्रदेश के सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रबुद्ध व व्यापारी सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ भाजपा नेताओं द्वारा विकास तीर्थ का अवलोकन किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री संगठन ने कहा कि वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सांसद, विधायक, राष्ट्रीय पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी से लेकर मंडल स्तर तक वरिष्ठ जन टिफिन के साथ बैठक करेंगे। सभी 7 मोर्चों पर का संयुक्त सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। साथ ही विधानसभा स्तर पर केंद्र व प्रदेश सरकार के लाभार्थियों का सम्मेलन की भी योजना बनाई गई है। इसमें लाभार्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को प्रत्येक शक्ति केंद्र पर योग दिवस कार्यक्रम का भी आयोजन करना है। उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा बूथ स्तर पर महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत जनप्रतिनिधि वरिष्ठ नेताओं द्वारा घर घर जनसंपर्क कर केंद्र और राज्य सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों का पत्रक वितरित किया जाना है। उन्होंने बताया कि आगामी 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, जिसे कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर क्षेत्रीय जनता के साथ सुनने का कार्यक्रम तय किया गया है। उन्होंने कहा कि ये कार्य तभी 100% सफल होंगे जब 30 मई के पहले संगठन की योजना रचना तैयार हो जाए। इसके लिए प्रत्येक जिलों में 20 और 21 मई को जिला कार्य समिति तथा 22, 23 और 24 मई को मंडल की कार्य समिति की बैठक का आयोजन करना अनिवार्य किया गया है। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह, बस्ती के सांसद व राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश, मंत्री शकुंतला चौहान, प्रदेश के राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, दानिश अंसारी, सांसद जगदम्बिका पाल, कमलेश पासवान, विजय दुबे, प्रवीण निषाद, रविन्द्र कुशवाहा, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कमेश्वर सिंह, विधायक विपिन सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजदानंद राय, मंत्री जनार्दन तिवारी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र समिति की आज गोरखपुर क्लब में बैठक हो रही है। आज की इस बैठक में हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी का मार्गदर्शन हम सभी को मिलने वाला है। 30 मई से लेकर 30 जून तक चलने वाले महासंपर्क अभियान के लिए विस्तृत कार्य योजना आज की इस बैठक में बनेगी। आज की इस बैठक में इस क्षेत्र में रहने वाले सभी हमारे माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारीगण और क्षेत्रीय समिति के पदाधिकारीगण भाग ले रहे हैं। आज की इस बैठक में जो हम माननीय धर्मपाल जी का मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होगा, हम सभी कार्यकर्ता आगे उसको परिणित फलीभूत करने के लिए प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र समिति की बैठक है और आगामी दिनों में एक संपर्क महाअभियान इस देश के सुशील प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष सफलतम कार्यकाल होने पर भारतीय जनता पार्टी विभिन्न चीज़ों को लेकर के एक संपर्क महाअभियान चलाने जा रही है। उसी के संदर्भ में हमने आज ये बैठक आहूत है, जिसमें हमारे सभी सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, MLC हैं, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, हमारे क्षेत्र के पदाधिकारी उनके समिति के सदस्य हैं, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी
ऐसे हम लोगों ने हर जनपदों से इस संपर्क महाअभियान के लिए 8 लोगों की एक टोली बनाई है, जो नीचे तक संपर्क महाअभियान भारतीय जनता पार्टी का जो सांगठनिक स्ट्रक्चर है उसके आधार पर हम नीचे तक बूथ लेवल पर तक जा कर के अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 9 वर्ष की कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में एक संपर्क महाअभियान चलाने जा रही भारतीय जनता। कौन मुख्य अतिथि हैं? और आज हमारे इस बैठक के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल जी हैं और कुछ ही क्षणों में ये बैठक प्रारंभ। क्या लग रहा है कि 2024 की तैयारी है शुरू हो गई? ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 हो 2027 हो ये मान के काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो सदैव समाज के बीच में, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार या उसके पहले की जो भी सरकारें रही हैं तो सरकार में आने के बाद उनके कार्यकर्ता सरकार में मस्त रहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम सरकार हो या ना हो हम सेवा भाव के नाते समाज में जाने का प्रयत्न करते हैं और उनके बीच में जाएंगे। हमारे लिए एक गौरव का विषय है कि हमारी केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के लिए आम जन के लिए प्रारंभ की है उन विषयों के लेकर के जाएंगे और प्रयत्न करेंगे कि जिनको उसका लाभ मिला है अच्छा है, जिनको नहीं मिला है आगे कैसे संगठन के माध्यम से उनके नीचे तक उनको भी लाभ मिले, ये प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी का सेवा भाव के नाते रहता है। पिछला लोकसभा चुनाव अगर बात करें तो 13 में 10 सीटें भाजपा के पास थी, आजमगढ़ भी उपचुनाव में भाजपा के पास आ गया, इस बार क्या लक्ष्य लेकर चलते हैं? लक्ष्य क्या, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि गोरखपुर क्षेत्र में हमारी 13 लोकसभा है, 13 में 13 हम जीतेंगे और उसके लिए हमने संगठन का स्ट्रक्चर तैयार किया है, क्लीन स्वीप करेंगे और गोरखपुर में, मैंने ऐसे नगर निकाय में भी आपसे कहा था कि आप लोगों को याद होगा कि हम 60+ रहेंगे और आप लोगों ने देखा है कि अभी गोरखपुर महापौर का रहा हो चाहे पार्षदों का रहा चाहे नगर पंचायत का रहा, हमने 60+ पहुँचाया है। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र का जो सांगठनिक स्ट्रक्चर है हम ये तय कर लिए हैं कि हमको 13 लोकसभा है, 13 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी और पुनः फिर इस देश के सुशील प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग 12वां प्रधानमंत्री बनाएंगे।